नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ उषा मिश्रा और उषा मिश्रा के हमारा किचन में आपका स्वागत है। व्यूअर्स, आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो इसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलते हैं हम हमारे किचन में दूध की गुजिया बनाने। तो इसके लिए मैंने 100 ग्राम मावा लिया है। इसको हम अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा। भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, इनको अच्छे से मिला देते हैं। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। मैंने 2 इलायची लिए, उसको पीस लिया है। और अब हम इसमें 1 चम्मच शुगर डालेंगे। मैंने चाय का चम्मच शुगर ही ली है क्योंकि इसमें ज़्यादा शुगर अच्छी नहीं लगती है। इसको अच्छे से मिलाते हैं। देखिए अच्छे से भुन गया है। अब हम गैस ऑन करते हैं और गैस में कढ़ाई रखते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध। मैंने फुल क्रीम का दूध लिया है। इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी चीनी। मैंने आधा चम्मच चीनी ली हुई है। इसको अच्छे से मिला देते हैं। मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। आप कप या कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 1 कप दूध लिया है फुल क्रीम का और 1 कप मैदा डाली हुई है। इसको अच्छे से मिलाएंगे। हमें धीमी आंच पर ही इसको पकाना है जिससे कि ये अच्छे से पक जाए। देखिए इसका डो सा तैयार हो गया है और ये पक गई है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। इसके बाद हम एक पैन रखेंगे, उसमें डालेंगे दूध। ये फुल क्रीम का दूध है। मैंने 750 ग्राम दूध लिया है। इसको हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये 500 ग्राम ना रह जाए। अब हम इसमें डालते हैं चीनी। चीनी मैंने 2 चम्मच चीनी ली हुई है। आप यदि ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स थोड़े से लिए हैं, काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश। किशमिश का इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको हम खोलने देते हैं और बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे कि ये जले ना और इसका टेस्ट ख़राब ना हो। अब हम एक थोड़ा सा घी लेंगे, उसको हाथों में लगा करके मैदे को मुलायम करेंगे। देखिए मैदा अच्छे से मुलायम हो गया है। अब हम इसकी नींबू के बराबर की लोई बना लेंगे। इस तरीके से गोले बना लेंगे। मुझे इसी तरीके की गोली बनानी है। अब इनको हम थोड़ा सा गोली को इस तरीके से चपटा कर देंगे जिससे कि बेलने में आसानी हो। देखिए मैंने इस तरीके से सब बना ली है। अब हम बेलन में भी थोड़ा सा घी लगाएंगे। आप तेल ना लगाएं, घी ही लगाएं। घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और लोई में इस तरीके से लगा करके हम बेल लेंगे। हमें ना ज़्यादा मोटी पूड़ी बेलनी है ना ज़्यादा पतली। देखिए हमें इस तरीके की पूड़ी रखनी है। अब इसी तरीके से हम सब बेल लेते हैं। मैंने सब बेल ली हैं। अब हम इसमें किनारों में लगाएंगे थोड़ा सा इस तरीके से पानी जिससे कि आसानी से चिपक जाए और जो मावा इसमें भरे वो निकले ना।
अब बीच में हम मावा रखेंगे और जिस तरीके से हम गुजिया बनाते हैं उसी तरीके से इसको मोड़ देंगे, इस तरीके से मोड़ देंगे और इसको अच्छे से चिपका देंगे जिससे कि ये मावा अंदर से निकले ना। आप चाहे तो इसे प्लेन रख सकते हैं, आप चाहे तो गुजिया की तरह इसको इस तरीके से बना करके अंगूठे की सहायता, उंगली की सहायता से बना सकते हैं। देखिए मैंने इस तरीके से बना दी है। अब इससे ये होगा कि जो मावा इसमें भरा गया वो निकलेगा नहीं। हम दूसरी भी बनाकर बता रहे हैं। हम इस तरीके से इसको चिपका देंगे। अब हम इस तरीके से इसको मोड़ेंगे। देखिए बड़ी आसानी से ये मुड़ जाती है, बन जाती है। इसी तरीके से हम ये सब गुजिया बना लेंगे। इधर दूध भी अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें गुजिया को डाल देंगे। हमें आंच धीमी ही रखनी है, हमें धीमी आंच पर पकाना है। सब डाल देते हैं। देखिए अच्छे से पकने लगी हैं। अब हम इनको ढक देते हैं और धीमी आंच पर पकाएंगे करीब 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको पलट देते हैं जिससे कि दोनों तरफ ये पक जाए। वैसे मैदा मैंने पहले ही पका ली है, लेकिन बाद में इसमें दूध एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर हम पलट देते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनती है, आप ज़रूर बनाएं। ये देखिए बढ़िया सी बन गई है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे ऊपर से। और हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं तो हमारी दूध की गुजिया बनकर तैयार है। इसको दूध की पूरी भी बोलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।